एक तरफ तो संविधान को नष्ट और ध्वस्त करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। वीर सावरकर की बात करने वाले लोग, महात्मा गांधी की जी को गाली देने वाले लोग, तो आज वो एक तरफ लाइन खींच कर खड़े हुए हैं। हम जो लोग हैं, हम लोग राम भक्त हैं, वो राम के व्यापारी हैं। उन व्यापारियों को आज देश की जनता उखाड़ने का मन बना चुकी है। आप हनुमान की तरह हमारा छाती का फाड़ कर देखिए ना, राम उसके अंदर वास करते हैं। आज राम भी उनसे दुखी हैं और उनको पटकनी देने जा रहे हैं। हनुमान ने तो गदा उठा ली, हम राम को लाए। किसी की हैसियत है कि भगवान को सृष्टि से नीचे ले आए? आस्था से पहले भी रोजगार मिलते हैं, जब भूखे पेट भजन तो होने का नहीं, जब पेट भरा होगा तभी तो भजन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण विवादित मुद्दे उठाने का काम करते हैं। विवादित मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण? हाँ बिल्कुल विवादित है। आप एक धर्म विशेष पर टारगेट करने का काम करते हैं। वो एक ऐसी पार्टी जो पहले अपने कैंडिडेटों से पैसा लिया करती थी, आज वो कैंडिडेटों से पैसा तो नहीं ले रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने उन्होंने पैसा लिया है। की बार 400 का बंटाधार। माननीय मोदी जी, आपको मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप झोला उठा लीजिए, आपकी खुद की सीट वाराणसी की आप हारने जा रहे हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी की बड़ी टीम में रहा करते थे, उनको एक कोने में बैठाया गया, उनका कोई नाम लेवा नहीं। नरेश सैनी को आप नाम गिनवा देता हूँ, वो भी विधायक रहे हैं। संजय गर्ग जी जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर में बैठा करते थे, उनकी औकात आपने देखी है। ये लोग अजगर हैं, ये दूसरे को हजम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। पीडीए की बात करें तो दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक का नारा दिया था। इस चुनाव में जो दलित पिछड़ा या अल्पसंख्यक या कहा जाए, पीडीए का कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गुलजार सलमानी हमारे साथ में, पीडीए पे भी बातचीत की जाएगी और दलित पिछड़ों का इनका बड़ा फोकस रहता है। इसके अलावा जो है ये दलित मुजलूम की आवाज़ उठाते आए हैं, बड़ी बात करते आए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस लोकसभा चुनाव को, सहारनपुर लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, चर्चा करेंगे। जी गुलजार सलमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ आपके जीडी न्यूज़ का। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जो चुनाव चल रहा है, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तरफ तो संविधान को नष्ट और ध्वस्त करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। कौन से नष्ट ध्वस्त करने वाले हैं, कौन से बचाने वाले हैं, थोड़ा क्लियर करके चलेंगे? ये तो मेरे से अधिक आपको पता है सम्मानित पत्रकार महोदय जी, तमाम मीडिया में एक वहाँ उनके जनप्रतिनिधि एक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनके सांसद संविधान को पर आलोचना करते हैं और वो उसकी वीर सावरकर की बात करने वाले लोग, महात्मा गांधी की जी को गाली देने वाले लोग, तो आज वो एक तरफ लाइन खींच कर खड़े हुए हैं। लेकिन भारत की जनता संविधान को बचाने में लगी हुई है और संविधान को बचाने के लिए ही हम लोग तमाम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक संविधान को बचाने के लिए आगे आया है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक संविधान के प्रति जो सहानुभूति है, जो पिछड़ों में जो जोश है, जो दलितों में जोश है, जो अल्पसंख्यक आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो सब एक मंच पर आ गए हैं। धर्म, जाति और वर्ग विशेष को छोड़कर लोग एक तरफा खड़े हो गए और इन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सोपड़ा साफ होने जा रहा है। ईमानदारी की बात करें या केवल जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं, आप जो संविधान को जो मिटाने की और जो संविधान को अस्त व्यस्त करने की जो आप बात कर रहे हैं, आरोप है ये राजनीतिक आरोप है या ईमानदारी की बात कर रहे हैं? गलत बात है, हम आरोप नहीं है। आप मीडिया में देखिए, उनके सांसद, उनके जनप्रतिनिधि, उनके मंत्री, उनके मिनिस्टर संविधान पर सीधा हमला बोल रहे हैं, वो संविधान पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आप ये देखिए, हम जो लोग हैं, हम लोग राम भक्त हैं, वो राम के व्यापारी हैं। उन व्यापारियों को आज देश की जनता उखाड़ने का मन बना चुकी है। अगर वो राम की बात करते हो, राम के व्यापारी हो, व्यापारी राम भक्त हम लोग हैं, हम लोग राम में आस्था रखते हैं, हम लोग रामचंद्र जी को मानते हैं, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग रामचंद्र जी में आस्था रखते हैं। कितनी बार वो व्यापार करते हैं, उस पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, राम के नाम पर लूट करते हैं, चंदा लूट काम वो करते हैं, हम लोग केवल आस्था और धर्म की बात करते हैं। कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप दिन में? देखिए बात, हनुमान चालीसा का नहीं, राम राम के मानने वाले तो हनुमान चालीसा नहीं,
तमाम अति पिछड़े हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे मन में रामचंद्र जी हैं। आप हनुमान की तरह हमारा छाती फाड़ कर देखिए ना, राम उसके अंदर वास करते हुए। जय सलमानी कितनी बार हनुमान चालीसा? जय सलमानी एक धर्म विशेष का व्यक्ति है, वो अपने धर्म में भी आस्था रखता है लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो महापुरुष है उनका भी सम्मान करता है। व्यापारी तो नहीं, अपनी गुलजार सलमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम अति पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ जो राम में आस्था रखते हैं, और वो लोग राम का व्यापार कर रहे हैं लेकिन उनके आज राम भी उनसे दुखी हैं, अब उनको पटकनी देने जा रहे हैं। हनुमान ने तो गदो उठा ली और आपकी बार देख लेना 80 में से इनको हनुमान जी पलटी। आप प्रधानमंत्री जी की सीट खतरे में है भाई, वाराणसी में आप देख लीजिए बुरा हाल है, पूर्वांचल में राम मंदिर बनाते और हनुमान जी उनको पलट देंगे। अरे वो राम मंदिर बनाया उन्होंने, थोड़े कोर्ट का आदेश था, तमाम लोग उन्होंने तो उस पर चंदा वसूली की है, उन लोगों ने तो ट्रस्ट के नाम पर पैसा इकट्ठा किया है, उसका व्यापार किया है, उसको राम को भुनाने, हम राम को लाए, किसी की हैसियत है कि भगवान को सृष्टि से नीचे ले आए? इमरान मसूद हैसियत है, इमरान मसूद वाला बयान दे रहे हैं। देखिए नहीं, बात इमरान मसूद का अपना अपनी टिप्पणी होगी लेकिन मैं जो मानता हूं कि राम या ईश्वर या अल्लाह को इनको कोई नहीं ला सकता, ये खुद सृष्टि की रचयिता हैं, इन्होंने सृष्टि की रचना की है, ये जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं ना, इन लोगों को अब मुंह की खानी पड़ेगी। राम भी इनसे रूष्ट हो चुके हैं, ये नाराज है, इनको ना नरक में जगह मिलेगी और ना ही इस धरती पर जगह मिलेगी। मंदिर बनाया क्या भाजपा वाले, मस्जिद भी बनाएंगे? देखिए भाजपा वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाने वाले कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनमें पैसा जनता का लगा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, दोनों धर्मों ने फैसले से कोर्ट का माना है और वहां राम मंदिर की स्थापना की है। इन्होंने तो नौटंकी की है, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, चंदा इकट्ठे करने के नाम पर, राम के नाम से पैसा इकट्ठा करने की, आप किनकी बात करें? आप इस देश में विकास की बात करिए ना, आप इस देश में बेरोजगारों की जो भीड़ हो रही है उनकी बात करिए ना, आज एक बेरोजगार पढ़ा लिखा बीएससी करा हुआ लड़का मजदूरी कर रहा, आप देखिए फोकस कीजिए, आप देखिए बेरोजगारी की क्या हालत है। इस देश में रोजगार चाहिए उनको, धर्म से पहले आस्था से पहले भी रोजगार भी तो चाहिए, जब पे भूखे पेट भजन तो होने का नहीं, जब पेट भरा होगा तभी तो भजन करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में केवल एक व्यक्ति ऐसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इसमें समाजवादी पार्टी के, जो पूरे देश में एक अलख जगाए हुए तमाम पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एक इकट्ठा करके इस देश में क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने पहले भी कहा था इन लोगों को हटाने के लिए इस देश में क्रांति करनी पड़ेगी और वो क्रांति तैयार है। क्या गुलजार सलमान चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, जनसंख्या की बात करें? मैं आपका मंतव्य नहीं समझा। क्या गुलजार सलमान ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, जनसंख्या रोकने की या जनसंख्या की नीति लाने की बात करें? जनसंख्या नियंत्रण तो वैसे होना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण विवादित मुद्दे उठाने का काम करते हैं। विवादित मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण? हाँ बिल्कुल विवादित है, आप एक धर्म विशेष पर टारगेट करने का काम करते हैं, आप विकास की, आप एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ एक धर्म विशेष को आप तरह तरह के प्रोपेगेंडे रचकर उनको दहशत उनको भय पैदा करना चाहते हैं। इस देश के जो जिन्होंने इस देश में आज़ादी में अपनी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश पर कुर्बानियाँ दी, आप उसको डराना चाहते हैं? देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, या भाजपा जो चाहती है उसके हिसाब से देश चल रहा है? नहीं नहीं, देश संविधान से चलेगा, संविधान पर उंगली उठाने वालों को नेस्तनाबूत यहाँ की जनता करने जा रही है, आप देख लेना। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है इस देश में मनवादी व्यवस्था को जो लागू करना चाहती है वो नहीं लागू होगी, बाबा साहब का संविधान इस देश में है और संविधान से ये देश चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की, पीडीए का उन्होंने नारा दिया था, पीडीए की बात उन्होंने की कही थी कि आ जाए पीडीए का जाए, जो उन्होंने नारा दिया था उसके अनुरूप जाए उन्होंने टिकट देने का या लोकसभा चुनाव लड़ने का काम उन्होंने किया। देखिए आज पूरे दलितों पिछड़ों को जाए टिकट दे के जाए लोकसभा चुनाव, प्रदेश में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके साथी हैं और 17 पर कांग्रेस पार्टी है। मैं कांग्रेस पार्टी की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी पार्टी निर्णय करेगी कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, आप पूरी लिस्ट का अवलोकन कर लीजिए, पूरा अनुपात पिछड़ों का भी, दलितों का भी, अल्पसंख्यकों का भी, आधी आबादी का भी, केवल समाजवादी पार्टी ने ध्यान रखा है। महिलाओं को टिकट देने में, महिलाओं की बात करते हैं माननीय मोदी जी और महिलाओं को कहीं टिकट देने का काम नहीं करते, आज महिलाओं को टिकट देने का काम किया है।
नौजवान लड़कियों को आपने आपने अपने पड़ोस में कराना लोकसभा है, वहां से इकरा हसन को टिकट देने का काम किया है, रुचि वीरा को टिकट देने का काम किया है, आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी के अनुपात में हमने हिस्सेदारी देने की बात की है, दलितों को टिकट दिया, सामान्य सीटों पर दलितों को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए पिछड़ों की संख्या क्या है, आबादी के अनुपात में हमने टिकट दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसे चरितार्थ जो किया है केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। उनके बीच में जो चर्चा होती है, 17 टिकट उनको दिए गए हैं, अब वो उन पर किसे लड़ाए किसे न लड़ाए ये उनके विवेक पर निर्भर है, समाजवादी पार्टी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो किसे टिकट दे किसे नहीं दे, हमारा जो काम है हम उनके प्रत्याशियों को तन मन धन से जिताने का काम करेंगे, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। बात मुस्लिम समाज की जाए, मुस्लिम समाज किस तरह का फैसला सहारनपुर में लेने का कार्य कर रहा है, क्या गठबंधन प्रत्याशी के साथ रहेगा या हाथी पे जो सवारी कर रहे हैं माजिद अली है उनको सपोर्ट करने का काम करेगा या पीडीए को ध्यान में रखते वोट डालने का काम करेगा? देखिए मुस्लिम समाज दो तरह से सोच रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो एनडीए को समर्थन कर रहे हैं अपने उस जगह पर ऐसे टिकट देकर, क्योंकि वो गठबंधन में नहीं आए वो लोग और उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए, वो उनका सीधा मंतव्य है कि एनडीए किसी तरह चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करें। वो एक ऐसी पार्टी जो पहले अपने कैंडिडेटों से पैसा लिया करती थी, आज वो कैंडिडेटों से पैसा तो नहीं ले रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अंदर खान ने उन्होंने पैसा लिया है तमाम कैंडिडेटों को और उनको मजबूत करने के लिए अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मुस्लिम समाज इस बात को पहचान गया है और मुस्लिम समाज एक तरफा एक मन से पूरे के पूरे गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा। किन मुद्दों को लेकर जाए मुस्लिम समाज वोट डालने का काम करेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए एक तो संविधान, मुस्लिम समाज के सामने संविधान और इस देश की रक्षा, इस देश में जो नफरत, इस देश में एक धर्म विशेष के प्रति जो जहर फैलाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित में देश हित में एक ऐसा फैसला करने जा रहा है कि वो इन नफरतबाजियों को जहरवादियों को हटाने का काम करेगा। और जहां तक मेरा मानना है जो गठबंधन पूरे भारत में चल रहा है वहां पर अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी वाजिब मिली है और उसका ऋण उन पर है मुसलमानों पर और मुसलमान उस ऋण को उतारने का काम करेगा। अब की बार 400 पार क्या कहेंगे गुलजारी शर्मा? अब की बार 400 का बंटाधार। माननीय मोदी जी आपको मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप झोला उठा लीजिए, आपकी खुद की सीट वाराणसी की आप हारने जा रहे हैं। आप 400 पार तो तेल होगा, 400 पार पेट्रोल इनकी जो मंशा है अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने की वही मंशा है, आपकी बार इनका बंटाधार होने जा रहा है बिल्कुल सुपड़ा साफ। इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है क्या आपको लगता है सरकार बनेगी? अरे कहां हुआ है, नीतीश ने तो हाथी ला दिया और आपको जाए यहाँ पे जाकर बात कर जयंत चौधरी के उन्होंने टाटा बाय बाय करके वहां चले गए, हर जगह कमजोर हुआ आपका गठबंधन को उनकी जनता उसे जवाब देने जा रही। एक समय था जब उनका आवास से उनके बर्तन फेंक दिए गए, एक समय था उनका चुनाव चिन्ह भी खतरे में डाल दिया गया, एक समय था जब इन पर लाठियां बज रही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके दुख में साथ खड़े हुए और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम हमेशा आपका सहयोग करेंगे, आप हमारी पार्टी बचाइए, आप हमारा आवास बचाइए, आपको राज्यसभा बनाया, आपके 9 विधायक बनाए, आप गद्दारी करके चले गए, इसका जवाब जनता देने जा रही। खुद उसके स्वजातीय जाट समाज मन से आप मुजफ्फरनगर में अपना सर्वे कर लीजिए, बागपत में सर्वे कर लीजिए, इनको पटकनी देने जा रहा है। दूल्हा तुम्हारा बरात हमारे भैया का जो नारा था जयंत चौधरी के लिए काफी सटीक था? ऐसा नहीं था, सिर्फ उन्होंने खुद ये कहा था कि जहां हमारे कैंडिडेट नहीं हम दे पा रहे आपका कैंडिडेट रहेगा हमारा निशान रहेगा, उसमें क्या है दो दिलों का मेल है, पिछली बार पल्लवी पटेल को भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं ऐसा कर रही है। आप देखिए राजभर के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं घोसी में, कैंडिडेट सुहेलदेव समाज पार्टी का है और निशान कमल का है। आप देख लीजिए अपना दल का, उसका कैंडिडेट आशीष पटेल चुनाव लड़ा, कैंडिडेट उसका अपना दल का और चुनाव निशान कमल का निशान। सुनने में आ रहा है कि जयंत चौधरी बहुत मजबूत हुए भाजपा गठबंधन करने के बाद, आप कैसे देखते हैं?
उनको पटखनी मिल चुकी है और वो जान चुके हैं कि उनका अस्तित्व अब समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग गए आज से लेकर पहले तक, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अभी देखिए सहारनपुर के कुछ चंद नेताओं के नाम मैं गिनवाना चाहता हूं, और आपने देखा भी होगा अभी रैली हुई माननीय मोदी जी की, जो लोग अखिलेश यादव की बगल में बैठा करते थे, जो लोग समाजवादी पार्टी की बड़ी टीम में रहा करते थे, उनको एक कोने में बैठाया गया, उनका कोई नाम लेवा नहीं। नरेश सैनी को आप नाम गिनवा देता हूं, वो भी विधायक रहे हैं। संजय गर्ग जी जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर में बैठा करते थे, उनकी औकात आपने देखी है। एक कार्यकर्ता से भी बदतर हालत उनकी कर दी। अभी हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 साल पहले गए थे, बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उन्हें जब लगा कि ये खत्म करने जा रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए, गठबंधन को उन्होंने। इसी तरह आपने महाराष्ट्र में शिवसेना को हजम कर लिया। ये लोग अजगर हैं, ये दूसरे को हजम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, अस्तित्व खत्म कर। वैश्य बिरादरी का उन्होंने अपमान किया, सैनी बिरादरी का अपमान किया, ठाकुर समाज का अपमान किया। आप चारों तरफ रोष है, एक तरफ इन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल बज चुका है तमाम लोग, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। तो लड़ाई दो तरफा है, एक तरफा लड़ाई पूरे भारत की जनता लड़ रही है और एक तरफ आरएसएस के लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ माफी वीर के जो वंशज हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ इस देश को आज़ादी दिलाने वाला लोग लड़ रहे हैं। क्या इस चुनाव में जो है नेताजी के हाथ मजबूत करेंगे गुलजार शर्मानी? देखिए मैं ही नहीं, तमाम अति पिछड़े पसमंदा सब समाज आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, गठबंधन को जिताने का काम कर रहा है। यहाँ पे कौन जीता? गठबंधन का प्रत्याशी अखिलेश यादव जी के अनुसार निर्देशानुसार जो है बातचीत कर रहे हैं, आप भी जो बात कर रहे हैं चुनाव जीतने की पोजीशन में गठबंधन प्रत्याशी हैं, आप जो दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों को लेकर जो आपने बात की चर्चा की है इसके लिए बहुत, संविधान पे भी आपने जो चर्चा की है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।